कन्वर्जन बता देते हैं, दो चार गो उसके बाद हम लोग क्यूबॉइड में एंट्री करेंगे। कहाँ एंट्री करेंगे? क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड क्या होता है ना, थोड़ा सा और हम लोग क्या बाबू यूनिट कन्वर्जन क्या बोले थे, जैसे क्या लिखे थे, ये गीत याद रखना, किलोमीटर क्यूबिक रहेगा तो क्यूबिक किलोमीटर है ना, किलोमीटर किलोमीटर, हेक्टर, ऐसे ना समझ मीटर, रहा, किलोमीटर हेक्टामीटर डेकामीटर मिलीमीटर, डेकामीटर मीटर मीटर, उसके बाद डेसीमीटर सेंटीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर मिलीमीटर। मिलीमीटर mm है ना, यही गीत याद रखना। क्यूबिक रहेगा तो, क्यूबिक रहेगा तो सब में क्यूबिक लगाना, क्यूबिक रहेगा तो सब में सीयू लगा देना, सीयू लगा। ठीक, यहाँ से अगर यहाँ जाओगे तो 1000 से, क्यूबिक है तो 1000 से, यहाँ से यहाँ जाओगे 1000 से मल्टीप्लाई करना है ना, 1000 से यहाँ जाओगे तो कितना, इतना वन थाउजेंड से चाहिए। नहीं जी, ये 1000 से मल्टीप्लाई करोगे एक ही चीज को, कितना लिखोगे, ये 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना करोगे, 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इधर से इधर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करना, यहाँ से यहाँ जाओगे डेसी से 1000 से डिवाइड करना, यहाँ से जाओगे 1000 से क्या करना, डिवाइड करना, यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1000 से क्या करना, डिवाइड करना, यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1000 से क्या करना, डिवाइड करना, यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1000 से क्या करना, डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कर लेते, उसके बाद आगे टॉपिक हम लोग चेंज करेंगे। कितना क्वेश्चन हुआ था बाबू? सर, क्वेश्चन नंबर हुआ है 8 7 तक हुआ है, 8 8 8 8। हाँ यस सर। अच्छा ठीक है, जैसे क्या कहेगा वो, कहेगा 8 mm क्यूबिक मिलीमीटर, कहेगा शांति समझना, 8 क्यूबिक मिलीमीटर को किस में लाना बाबू, मान लो बाबू क्यूबिक सेंट, ए शांति, पहले शांति समझो, किस में लाना है, किस क्यूबिक सीओ सीएम में लाना, क्यूबिक सेंटीमीटर में लाना, क्या लाना है, क्यूबिक सेंटीमीटर में लाना है, कैसे लाना है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर क्यूब में हाँ सबके ऊपर हाँ वो भी लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे लाना, क्यूबिक में सेंटीमीटर में। अब शांति समझो, आपको 8 mm क्यूब, 8 mm क्यूब को किस में लाना है, सीएम क्यूब में लाना है, तो देखो पहले हम लोग एमएम क्यूब चलेंगे, यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब है ना, अब हमको यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, तो कितना डिवाइड करना, इधर से आधे आ रहे हैं तो जो वैल्यू रहेगा वो लिख देना, 8 है 8 लिख देना, डिवाइड कर देना कितना, 1000 से, अरे क्यूबिक से यहाँ से, मिलीमीटर से यहाँ सेंटीमीटर में जाओगे तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइडेड बाई क्या कर देना, 1000 कर देना है ना, यही आपका क्या हो गया, सी एम क्यू हो गया। इसको डेसिमल में लिखोगे तो डेसिमल में लिख ले तो बताइए क्या बाबू, जीरो सेंटीमीटर। 0.08 सेंटीमीटर की, पहले लिखो ना, समझो पहले समझे उसके बाद लिखेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, दो चार क्वेश्चन पहले समझे उसके बाद लिखेगा, जैसे समझ ही नहीं अनुशांत रहे नेक्स्ट हो, जैसे बाबू क्या कहेगा, मीटर क्यूब, जैसे 5 मीटर क्यूब बराबर कहेगा कितना, डेसीमीटर क्यूब डेकामीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब बराबर कितना, डेकामीटर क्यूब है ना, कितना, डीएम क्यूब, कितना, डेकामीटर क्यूब, तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले मीटर मीटर देखेंगे सर, सर, क्या यहाँ पढ़ा मीटर, रहे हैं? यहाँ क्या मीटर देखेंगे, मीटर देखेंगे, यहाँ क्या डीएम है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग जा रहे हैं पढ़ा बाबू, रहे तो हैं 1000 मिलेगा, क्या? एक को 1000 मिलेगा ना, हाँ सर एक को मिलेगा, तो 5 हो गया, और किससे डिवाइड कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना, तो इसको क्या लिखोगे, 5 डिवाइडेड 1000 कितना हो जाएगा, 0.05 dm³ होगा है ना, अगर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो 1000 से डिवाइड करना, जितना ज्यादा गैप होगा उतना बार 1000 से डिवाइड करना है ना, 10 नंबर। जैसे कोई बोले बाबू 5 मीटर क्यूब, अब बराबर कहेगा किलोमीटर क्यूब निकालने के लिए, शांति सुन, 5 मीटर क्यूब बराबर कितना, किलोमीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब यहाँ पे है, क्यूबिक यहाँ पे सर मेरा क्या है, मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब यहाँ पे है, और यहाँ किलोमीटर क्यूब है, यही ना, क्यूबिक किलोमीटर है, तो कई गो 1000 मिलेगा, 1 गो 2 गो 3 गो 1000 मिलेगा है ना, तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और 3 गो 1000 से डिवाइड कर देना, 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 है ना, ऐसे कर देना, ठीक, तो 5 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1000 1000 1000 कितना होगा, 10^9 हो जाएगा, इतना किलोमीटर क्यूब हो जाएगा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ये पावर बताया था वो ऊपर जाता तो माइनस में हो जाता है, तो 5 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 10^-9 किलोमीटर क्यूब, इस तरह से हम लोग यूनिट याद रखेंगे है ना, लिखो बाबू फिर बताते हैं आगे।
उधर का देख रहे सलोनी, ये तो सलोनी उधर का है। अगस्त्या कै बजे क्लास है? अगस्त्या अगस्त्या कै बजे क्लास है जी? सर लिखे हाँ लिखिए सर गास्ती सर 720 में। तो सर कै बजे आया है? टाइम उनका वैल्यू है कि नहीं पता बाबू? नहीं है सर। अभी समय समय को आप बर्बाद कर रहे हो ना, एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा, ये ध्यान दीजिएगा। जो बच्चा अभी समय को बर्बाद करेगा बाद में समय आपको बर्बाद कर देगा, पता नहीं चलेगा, रोते रहना। बड़े हो गए बाबू तो दो दो सर अपनी गारंटी है क्या? लवली इतना मत लगाओ। तनु बहुत बोलती बाबू, शांत रहे तनु। लिखी सलोनी सर वीडियो ब्लर आ रहा है। डाटा बचता है सलोनी के? खत्म हो जाता सुबह सुबह जी सर? डाटा बचता है किसका नेटवर्क है जी? कलर देना, कल से श्वेता को भी उठाना है। आप फोटो स्क्रीनशॉट खींच के भेज देंगे ग्रुप में? सर वो बैच रन करते कैसे सलोनी? भेज रहे सलोनी। डन सर। सर डेटा हैंडलिंग एग्जाम है बाबू सर? 10 को है? 10 को है मतलब सर वो 15 सर 15। चलो पहला बाबू कल सुबह उठ के 6 बजे पहले टाइम और ये डिस्टेंस खत्म करो। क्या वैसे कर रहा है निकू? कुटाई कुटाई खोजता। लिख लिया बाबू? पहले टाइम डिस्टेंस खत्म करो उसके बाद डेटा हैंडलिंग पढ़ाते हैं। सर टाइम डिस्टेंस पढ़ा दिए इस बैच में। लिखी लक्ष्मी? लिख लिया। चलो ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू। ये थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन था है ना। अब हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। जो आपको बाबू स्टार्टिंग में सब बताए थे क्यूब पढ़े थे क्यूबॉइड पढ़े थे ना, सिलेंडर वैल्यूम ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या निकालेंगे? वैल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे ना। वो लिखना था आप दूसरे आप फोटो भेज दिए हैं ग्रुप में, वहां से लिखना आप। सर वो टेबल भी लिखना था क्या? नहीं जी टेबल नहीं लिखना था, टेबल हम सही से लिखे ही नहीं थे बाबू। टेबल ऐसी रफ देखने लेटर खराब। नेक्स्ट बाबू क्यूबॉइड। हेडिंग अब हम लोग क्या देंगे सर? क्यूबॉइड देंगे। क्यूबॉइड देंगे ना, क्यूबॉइड देंगे, CUBOID क्यूबॉइड। ये क्या होता है सर? देखो शांति से समझो। अगर बाबू बहुत सारे रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो जो शेप बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे है ना, क्यूबॉइड कहेंगे ना। मतलब कहने का मतलब क्या सर? मन से पढ़ना जी। राजनंदनी कहाँ गई जी? देखो शैतान, जैसे मेरे पास क्या है, एक क्या है वो विजिटिंग कार्ड है, सारे चीज तो ये से सही क्या रेक्टेंगुलर है। ये विजिटिंग कार्ड कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल है ना जी, इधर लेंथ है सर, इधर ब्रेथ है, थिकनेस नहीं है, तो एक हो गया। अब इस विजिटिंग कार्ड के ऊपर क्या रखो? दूसरा रखो, तीसरा रखो, चौथा रखो, पांचवा रखो, छठा रखो, सातवां रखो, बहुत सारे इस विजिटिंग कार्ड के ऊपर रख लो, तो जो आपका शेप बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ शांति सुमन्ना? जैसे एक विजिटिंग कार्ड कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप है, कैसा है? रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है ना जी। हाँ सर, इसके ऊपर हम लोग दूसरा रखें विजिटिंग कार्ड, ठीक, इसके ऊपर दूसरा रखें, तीसरा रखें, चौथा रखें, पांचवा रखें, छठा रखें, सातवां रखें, आठवां रखें। तो इस तरह से बाबू एक विजिटिंग कार्ड पे एक रेक्टेंगल पे दूसरा रेक्टेंगल रखो, तीसरा रेक्टेंगल रखो, चौथा रखो, पांचवा रखो, छठा रखो, सातवां रखो, आठवां रखो, नौवां रखो, दसवां रखो, पचासवां, साठवां, सातवां, आठवां, है ना, है ना, सौवां, है ना, ऐसे करके एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज करते चलो, है ना। तो अब ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, अब ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है ना, इसी शेप को हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे। इसी शेप मेरा क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया, है ना, क्यूबॉइड बन गया बस। तो क्यूबॉइड का फॉर्म, हाँ क्यूबॉइड का क्या होता है? क्यूबॉइड बाबू कैसे होता? कुछ नहीं होता, एक रेक्टेंगल होता है,
एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल के बाद तीसरा रेक्टेंगल चौथा रेक्टेंगल रखते जाओ तो उसमें क्या होगा हाइट आते जाएगा। एक रेक्टेंगल लो उस पर दूसरा रखो तीसरा रखो चौथा रखो ना तो उसमें क्या आते जाएगा हाइट आते जाएगा हाइट आते है ना। तो वही जो शेप बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे क्यूबॉइड कहेंगे ना। तो क्यूबॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है रेक्टेंगल से होता है। क्यूबॉइड का फॉर्मेशन कैसे होगा रेक्टेंगल से रेक्टेंगल से ना रेक्टेंगल से होगा रेक्टेंगल से ना। तो वही है बाबू एक क्यूबॉइड जो बाबू है ना सॉलिड बाउंडेड बाई सिक्स रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर। क्यूबॉइड को कैसे डिफाइन करेंगे एक क्यूबॉइड डिफाइन करो बाबू एक क्यूबॉइड इज लिखे एक क्यूबॉइड इज बाबू एक क्यूबॉइड इज बाबू सॉलिड कुछ नहीं होता है एलकेजी का चीज है वो सॉलिड बाबू बाउंडेड बाय बाबू सिक्स बाउंडेड बाय बाबू सिक्स रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर। मतलब क्या सर इसमें कितने रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर होंगे सिक्स प्लस रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर होंगे। जैसे कहने का मतलब प्लेन फिगर या प्लेन रीजन दो क्षेत्र दो चाहे फिगर दो जैसे क्या सर एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा आकृति आज जैसे हम लोग क्या बनाते सर एक रेक्टेंगल बनाएंगे बाबू है ना उसके ऊपर दूसरा रेक्टेंगल उसके ऊपर तीसरा रेक्टेंगल। तो इस तरह से जो मेरा शेप बनेगा ये जो शेप बनेगा क्या बनेगा मेरा क्यूबॉइड बनेगा क्या बनेगा क्यूबॉइड बनेगा है ना क्यूबॉइड शांति से समझना। यहाँ पे कॉर्नर पे क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिक्स कहते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे वर्टिक्स कहेंगे। ये जो साइड से दिख रहा है ये साइड से जो दिख रहा है इसको फेस कहते हैं है ना। ये सर जो हमारे सर फेस तो सर कैसे सर वो कैसे हुआ बता रहे हैं इसी तरह से ऐसे होगा टोटल छह सिक्स फेस होंगे एक दो तीन चार पांच छह अलग अलग मन से पढ़ते चलना है सर आप नीचे में क्यों डाल रहे हैं बता रहे हैं ये पूरा है वो फेस इधर वाला होगा ठीक है ना। सर आप बाउंडेड बाय के बाद क्या लिखे ना बाउंडेड बाई सिक्स है ये वर्टिक्स है ठीक है। ये जो रेड वाला दिख रहा है इसको हम लोग फेस कहते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे फेस कहेंगे। Excuse me, sir. हाँ बोलिए सर मेरा ऐसा बट क्या बड़ा बट इतना बड़ा अच्छा ठीक है इसको क्या कहेंगे एज कहते हैं बताते एजेज कहेंगे ठीक। नेक्स्ट बाबू हम लोग एज को डिफाइन करेंगे इसमें जो जो टर्मिनोलॉजी होता है उसको डिफाइन करो एज और नहीं करेंगे सर शेड नहीं सेट करेंगे आधो तो खराब लगेगा ठीक है ना ज्यादा सेट करने से खराब लगेगा एज एज एनी टू ज्यादा सेट करेंगे खराब हो जाएगा एनी टू आपने इंडियन फ्लैग बना दिया एनी टू एडजेसेंट फेसेस सर क्यूबॉइड सर इंडियन फ्लैग जैसा क्यों बना दिए अच्छा ठीक है लिखे फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड
भारत का केवल सर ऑफ दो बार लिख दिए सर एनी टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड मीट इन ए मीट इन ए लाइन सेगमेंट लिखो समझाते जी वी चीज कॉल्ड बाबू मन से पढ़ना है शुभ शुभ से तान लिख रहा बाबू यस सर लिख रहा हूँ लिखो इंक डालते जी डन सर लक्ष्मी भोली काउंट करके बताओ तो लक्ष्मी कहेगो आपको एज दिखाई दे रहा है लक्ष्मी किनारा सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं इंडियन फ्लैग का ग्रीन और रेड कलर क्यूबॉइड पढ़ा रहे हैं वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं वॉल्यूम चैप्टर क्या नाम क्या है वॉल्यूम है वॉल्यूम हाँ कल नहीं ना आया था कल वाला वीडियो का नहीं देखा सोब्र सर भूल गया सर मम्मी यूट्यूब में पासवर्ड लगा दिए मम्मी पासवर्ड लगा दिए तो मम्मी जी को कहे वीडियो डाउनलोड करके दे देगी लगाएगी नहीं पासवर्ड बाबू आप इतना शैतानी करती हो तो करते हो तो ठीक है तो कि पासवर्ड लगा कर कौन सा सर एट एज मम्मी बदमाशी करती है मम्मी बदमाशी करती कि आप बदमाशी करते हो जल्दी लिखिए जी क्या चीज क्या बोले बाबू सर 12 एज होगा ना सर हाँ वो बताते हैं नेक्स्ट बाबू क्यूबॉइड में मेरा ये क्यूबॉइड बनाएंगे उसमें एज काउंट करेंगे इस तरह से क्यूबॉइड बना सर ऐसा चलेगा बनाए ना बाबू इसमें आपको देखो ए सांद्रो जी आपको देखो कितना मैंने ये आपको लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है टोटल लाइन सेगमेंट काउंट करो एक ये है सर 12 एक क्यूबॉइड है ट्वेल्व एजेज लिखिए समझाते हैं चलो नहीं दिख रहा भोली ब्लर हो गया ब्लर हो गया सर अच्छा ठीक है सही एकदम अच्छे से दिख रही है तो खराब हो गया या फिर क्या रंग हो गया अच्छा ठीक है हल्ला मत करो चलो नहीं दिखाई दे रहा भोले यस सर चलो लिखो जल्दी से डन सर पीयूष को पढ़ाना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट सर आपको कौन सा लक्ष्मी बाबू कौन सा टॉपिक पढ़ना है बाबू एगो तो उधर कंग्रेंट हो गया और कौन सा बच रहा है लक्ष्मी कमर्शियल मैथ्स ए लक्ष्मी सर मीन एंड मीडियन सर मीन एंड सुन ले सर रेशियो रेशियो का वीडियो देखे बाबू एक चीज को पहले से का नहीं बोलता बाबू रेशियो पढ़ा देते हैं सर रेशियो का वीडियो भेज दीजिए सर सर वाटर सर स्टेट ऑफ मैटर सर रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिट सर ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स सर सर मैटर है स्टेट ऑफ वाटर ह्यूमन बॉडी सर ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स सर सुन लिया जी स्टेट ऑफ मैटर हल्ला मत कीजिए
म्यूट करो जी। नेक्स्ट बाबू, हम आपको क्या पढ़ा, आप शांति से देखो, समझना है। देखो अल्लाह मत करो, शांति से। बहुत पीटेंगे तनु, क्या कर रही थे इतना देर से जी। क्या देखिए जी, किसका अनम्यूट है, तनु म्यूट करो बाबू। म्यूट करो ना तनु, अल्लाह खाली करते हैं। जल्दी समझो पीयूष बाबू, मन से समझना है पीयूष, जल्दी लिखे तनु, उतना टाइम नहीं है, ये घंटा लिखोगे तो जल्दी लिखे जी, समझे ना। शैतान एक घंटा बैठ के गप कर रही थी, ये सबको ना छत पे से उठा कर फेंक देने खोजता है खाली। थोड़ा सा रुक जाइए, स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाइए, जल्दी लिखो ना तनु, टाइम बचाने से तो भगा देंगे, ज्यादा गुस्सा पड़ेगा तो, जल्दी लिखिए। चलो शांत रहो, देखो बाबू आप शांति से समझना, ये मेरा डब्बा क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है ना, इसमें लेंथ वो क्या लिखा सर उधर में, एज ऑफ द क्यूबॉइड के नीचे, अबरे कहाँ कहाँ लिखा है, एज ऑफ द क्यूबॉइड के नीचे कहाँ क्या लिखा है, चेता इतना एक क्यूबॉइड है बाबू, 12 एजेज, लिखो शांति समझो, ये डब्बा मेरा क्या, वो क्यूबॉइड है, लेंथ भी है सर, मन से पढ़ना राजनंदनी, इधर ब्रेथ भी है, इधर क्या हाइट है, अब शांति से समझना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3 नंबर, इसको हम लोग फेस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फेस कहेंगे, टर्मिनोलॉजी याद रखना, ये क्या हो गया, फेस हो गया, यहाँ जो कॉर्नर पे बिंदु है, यहाँ पे जो कॉर्नर है, इसको हम लोग वर्टिक्स कहेंगे, तो टोटल अगर पहले फेस काउंट करते, एक फेस ये हो गया इधर से जाएगा, एक फेस ये हो गया, ठीक, एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया, ठीक, 4 फेस हुआ, एक फेस ऊपर हो गया और एक फेस क्या हो गया, नीचे हो गया, एक फेस क्या हो गया, नीचे हो गया, तो टोटल कितने फेस आपको हो जाएंगे क्यूबॉइड में, शांति समझो, ये जो आपको दिखाई दे रहा पूरा प्लेन फिगर सामने से, 1 नंबर ये मेरा क्या बनेगा, फेस बनेगा, तो एक फेस ये हो गया सर, इसके जस्ट अपोजिट में 2 नंबर फेस हो गया सर, इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो गया, 2 नंबर फेस हो गया जी, है ना, ये 2 नंबर, इधर 1 नंबर फेस हो गया, ठीक, और इधर क्या हो गया, 2 नंबर फेस हो गया, तो 2 फेस हो गया, एगो ऊपर हो गया बाबू, एगो ऊपर ये बोले भाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेस कहेंगे, 3 नंबर फेस हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में चलो तो ये एक इधर हो जाएगा 4 नंबर फेस, है ना, ठीक बाबू, और एक ये वाला है 5 गो हो गया, और एक इधर से चलेंगे तो 6 गो हो गया, तो टोटल क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, फेस क्या होता है, ये बाबू जो आपका रेक्टेंगल जो शेप है, रेक्टेंगल जो शेप है, इसको फेस करते हैं, तो टोटल 6 फेस याद रखना, ये सब यही सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। नेक्स्ट बाबू, वर्टिक्स कै गो होगा, मतलब कोना कै गो बन रहा, एक कोना यहाँ पे बन रहा, एगो कोना यहाँ पे बन रहा, शांति सुनना, एक कोना यहाँ पे बन रहा, एगो कोना यहाँ पे बन रहा, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है ऊपर में, ठीक, और एगो कोना यहाँ पे बन रहा है, 4 कोना ऊपर बन गया, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कोना ऊपर बन गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, 4 कोना नीचे बनेगा, 1 कोना, इधर से 2 कोना, इधर से 3 कोना, इधर से 4 कोना, तो 4 जो कॉर्नर बन रहा है, इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। आप लोग का बाबू नहीं समझ में आएगा तो रूम में बैठे, रूम में देखना, है ना, रूम में कितना कोना होगा, रूम में कितना कॉर्नर रहता है, 4 कॉर्नर रूम में ऊपर होगा, 4 कॉर्नर नीछे होगा, रूम में सेलिंग देखना छत पे, तो 4 कोना होगा सेलिंग का, ठीक है ना, 4 नीचे होगा, तो टोटल वर्टिक्स जो कॉर्नर होगा उसको हम लोग वर्टिक्स कहेंगे, तो ये 1 वर्टिक्स, 2 वर्टिक्स, 3 वर्टिक्स, 4 वर्टिक्स, तो 4 इधर हो गया वर्टिक्स, 4 क्या हो गया, ऊपर हो गया वर्टिक्स, 1 2 3 4 ऐसा था, सांद्रो पहला 4 कितना हो गया, 8 वर्टिक्स हो गया, कितना फेस हुआ, 6 फेस हुआ, 8 वर्टिक्स हुआ, एजेज किसको कहेंगे, शांति समझना, एक फेस इधर है और ऊपर से एक फेस आएगा, शांति समझो, एक फेस इधर है, एक फेस ऊपर से आ रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एजेज कहेंगे, एक फेस नीचे से आ गया, मान लो 3 नंबर फेस नीचे आ रहा और ऊपर से 2 नंबर आ गया, तो ये दोनों यहीं पे मिलेगा ना जी, यहीं पे मिल रहा है ना बाबू, इस लाइन पे से मिल रहा, तो ये लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, एजेज कहेंगे, ये लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, क्या करें बाबू कछुआ, ये लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, एजेज कहेंगे, तो टोटल कितना एज होगा, शांति समझो, एक ये एज हो गया किनारा,
एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो जाएगा, तीसरा किनारा ये हो जाएगा, चौथा किनारा ये हो जाएगा। तो चार किनारा ऊपर हो गया, अरे एक किनारा इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा किनारा इधर, चार किनारा हो गया। ये भी एगो कॉर्नर, ये भी किनारा ही है, यहाँ एगो इधर फेस, दो फेस जहां मिल करेगा उसको किनारा कहेंगे। तो एक किनारा इधर, ये सलोनी क्या कर रही जी इधर उधर करने में, देख रही है अभी पूछेंगे ना तो कूट देंगे पकड़ के। किनारा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एजेज कहेंगे। तो एक किनारा इधर, एक एज इधर, एगो ये वाला जो नुखिला पॉइंट है, इधर से नुखिला जो पॉइंट है, ये दूसरा एज हो गया, इधर से क्या हो गया तीसरा एज हो गया, इधर से चौथा एज हो गया। तो चार गो ऊपर एज हो गया, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, चार गो इधर एज हो गया, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, चार गो ऊपर हो गया, चार गो साइड में हो गया, चार गो नीचे एज होगा, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, ये टोटल कितने हो गए, 12 एजेज हो गए, 12 एजेज। आप लोग को ये सब जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो रूम में बाबू मान लो कि है ना हमको नहीं याद रह गया तो कैसे करोगे, तो बुक वगैरह इमेजिन करना, बुक वगैरह जो इमेजिन करना है ना, बुक वगैरह इमेजिन करना है ना, तभी आपको याद हो पाएगा, है ना, याद हो पाएगा। नहीं तो रूम, रूम को इमेजिन करना, तो रूम में कितना फेस होगा, आपको सरफेस कितना दिखाई देगा, देखो कहेगा फेसेस कहेगा, आपको नहीं याद है, जैसे मान लो एग्जाम वगैरह में पूछा गया था रूम को देखना, तो रूम के चारों साइड कितना दीवाल होगा, चार को दीवाल रहता, हर एक के रूम में लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, चार दीवाल रहेगा, दो एगो छत होगा, एगो जमीन होगा, तो जो दीवाल है उसको फेस कहेंगे। देखो याद कैसे रखोगे, ठीक, हमको और कहेगा कितना क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, अपने आंख बंद करना, रूम सोचना, रूम में कई दीवार, चार साइड, एक साइड इधर, एक साइड आगे, एक साइड इधर, एक साइड पीछे, तो चार दीवार, एक एक ऊपर छत पे रहेगा और एक जहां आप जमीन पे रहेगा, तो टोटल जो दीवार हो गया प्लस एक छत प्लस एक जमीन मिला के टोटल छह फेसेस हो गया। ठीक, कहेगा वर्टिक्स कै गो होगा, तो रूम में को सोचना, रूम में छत में कै गो कोना, चार कोना, छत में चार कोना, और उस कोना के नीचे जमीन में कई कोना, चार कोना, तो जितना कोना उतना वर्टिक्स हो जाएगा, तो टोटल आठ वर्टिसेस हो गया। एजेज पूछेगा, एजेज, तो दूगो दीवार कहाँ मिलेगा, दूगो दीवार जहां मिलेगा उसको हम लोग एजेज कहेंगे, दूगो दीवार मिलेगा ना जी, तो रूम में बहुत दूगो दीवार कहीं है ना, तो उसको हम लोग एजेज कहेंगे। तो कितना कोना बनेगा, चार दीवार मिलकर नीचे चार को कोना बनेगा, है ना, चार होगा, छतवा जो मिलेगा, छतवा के भी चार को मिलेगा ना साइड से जी, तो चार हो गया छतवा वाला, अच्छा वाला हो गया, तो टोटल कितने हो गए, कितने हो गया, बारह एजेज हो गए, टोटल कितने हो गए, बारह एजेज हो गए। शुभ चल गया जी, उसको तो सैदान को कूटेंगे भर पेट। सर मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है, इसमें एजेज काउंट करेंगे तो कैसे, कौन कौन एजेज है बाबू, इसमें बारह एज है, देखो इसमें कई गो डंटी है, डंटी काउंट करना, एक डंटा, दूसरा डंटा, तीसरा डंटा, ऐसे ही तीसरा डंटा, ये चौथा डंटा, ये पहले नीचे वाला टोटल डंटा काउंट करो, एक डंटा, दो डंटा, तीन डंटे, चार डंटे, नीचे से चार स्टिक हो गया, नीचे से चार गो, और चार गो ऊपर से स्टिक हो गया, एक दो तीन चार, चार स्टिक ऊपर से हो गया, तो चार चार आठ हो गया, और चार गो इधर से होगा, एक दो तीन, और ये चार गो इधर से, चार गो इधर से, चार गो इधर से, तो टोटल कितने एजेज हो गए, बारह एज हो गए, बारह एज हो गए ना, बारह एज है ना, तो यही है बारह एज हो गया। नेक्स्ट बाबू, इतना सब लिख लिया, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्या वो वर्टिक्स है, वर्टिक्स है, तो वर्टिक्स टोटल कै गो होगा, आठ वर्टिक्स, यहाँ एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, टोटल कै गो वर्टिक्स, आठ वर्टिक्स है ना। वर्टिक्स को डिफाइन करो बाबू। यस सर, वर्टिक्स आर्ट कैसे होगा सर। नेक्स्ट बाबू, वर्टिक्स कै गो होगा, आठ गो होगा, ऊपर और नीचे काउंट किया ना सर, वर्टिक्स बिंदु, वर्टिक्स का मतलब क्या, बिंदु बिंदु बिंदु। नेक्स्ट बाबू, नहीं समझ में आ रहा बाबू, ए बाबू क्या बोलते हो उसको, बाबू राजनंदनी समझ में आता है जी? Yes, sir. नहीं अभी yes, sir, देंगे पकड़ के भर पेट पीटेंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग दो बाबू, वर्टिक्स क्या होता है, क्यूबॉइड का वर्टिक्स क्या होता है, वी आर टी एक्स लिखे बाबू इसको, हैशटैग सर। हाँ बाबू, फॉर एनी टू बाबू
वर्टेक्स को डिफाइन करो बाबू, फॉर एनी वर्टेक्स को डिफाइन कीजिए बोला, फॉर एनी टू और मोर फेसेस फॉर एनी टू और मोर फेसेस मोर टू और मोर फेसेस नहीं एज करो वर फॉर टू और मोर एजेज फॉर टू और बाबू फॉर एनी टू और मोर एजेज बाबू मीट एट ए मीट एट एन एंड पॉइंट मीट एन एंड एंड पॉइंट है ना बाबू एंड पॉइंट बाबू दिस पॉइंट इज कॉल्ड or any two or more edges meet at babu end point this point is called vertex of cuboid theek to yahan pe total babu ye cuboid hai babu kitna vertex kitna bindu dikhai de raha hai edge jahan pe cut karega ye sara ka sara kya babu vertex hai आठ को है टोटल का टोटल कितना है सर एक यहाँ आठ को बिंदु दिखाई दे रहा है बाबू नेक्स्ट एक क्यूबॉइड है बाबू लिखना है हाँ जी एक क्यूबॉइड है एट वर्टेक्स क्या हो गया वर्टेक्स से चार ऊपर हो गया चार नीचे हो गया नेक्स्ट बाबू वर्टेक्स हो गया एज हो गया फेस बाबू सर आपने पहले लाइन में फेस नेक्स्ट सर फेयर एंड लवली सर आपने पहले में भी एरो नहीं दिया है सर एजेस में भी था डिफाइन कर दो समय एरो भी नहीं दिया दो समय सर छोड़ दीजिए और फेस वो क्यूबॉइड सब फिर से बनाना है डायग्राम हाँ जी फिर से बनाना है जी सर मेरे इस सिक्स क्लास में वॉल्यूम है ही नहीं वॉल्यूम नहीं है शैतान तो आएगा ना नहीं है तो जी सेवन में आ सकता है क्या साउंड में है सर वॉल्यूम बेस ऑफ क्यूबॉइड बाबू सर शायद अर्श अग्रवाल में नहीं है एनी फेस बाबू एनी फेस ऑफ फाइव में आ चुका है मे बी कॉल्ड सर फिर से वो कलर्ड वाला डायग्राम बनाना है हाँ बाबू फिर से बनाना ये सारा का सारा मेरा क्या वर्टिक्स है इसको कैसे कर लोगे ये वाला वाला ये वाला सारा का सारा क्या बाबू वर्टिक्स है ये क्या वर्टिसेस है तो चार ऊपर से चार नीचे से टोटल कितना वर्टिसेस आठ वर्टिसेस होगा यहाँ पे तो मैंने सर सारा कर दिया सर आपने सिर्फ चार ऊपर पे किया ना मैंने सारा कर दिया सर इसको हम लोग क्या कहेंगे बेस कहेंगे ये क्यूबॉइड का क्या बनेगा बेस बनेगा मतलब क्यूबॉइड वो
किस पे सपोर्ट कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, है ना। तो बेस तो सर पावर में होता है। वो नहीं, बेस ऑक्यूपाइड है। लिखो सर, आपने एरो नहीं दिया सर बेस ऑक्यूपाइड के डेफिनेशन में। यही है रब्ला। नो सर, डेफिनेशन में बेस ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सर्फेस कब हो? एला कछुआ ना समझ में आ रहा बाबू? कछुआ सो गए सलोनी? इस सलोनी सो गए जी। ऐसा सलोनी नहीं लिखी सलोनी, जल्दी बाबू जल्दी बाबू। नहीं लिखी बाबू, ग्रुप में भेज दिए बाबू, लिख लो ग्रुप से, जल्दी लिखी जी। ऐसो कहाँ भागा बाबू? कहीं नहीं, रफ में जो लिखा ना उसका फोटो खींच के भेजना तो जरूरी थोड़ा, नहीं तो अटेंडेंस मार्किंग करेंगे। आप लोग शैतान लिखते नहीं हो रफ में सर। में सारा सूरा मत करो, ठीक है ना? भेजना है तो भेजना है, नहीं भेजोगे अटेंडेंस का, टीयर का नहीं, अभी जो लिखा है रफ में। नेक्स्ट बाबू सर, अब डीआईवाई देंगे? नहीं जी अभी पढ़ते। लेटरल फेस आगे बाबू, लेटरल, लेटरल फेस ऑफ क्यूबॉइड है, ये क्या होता है सर? शांति से समझना है, ठीक है? लेटरल फेस ऑफ क्यूबॉइड, लक्ष्मी ना बोलोगी? भोली लक्ष्मी। यस सर। हाँ लक्ष्मी, कलम को कॉपी लिख के हमको बताइएगा, ठीक है ना? बुक से देख लीजिएगा, लेटरल सरफेस कौन सा चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ा, लेटरल सरफेस ऑफ बाबू क्यूबॉइड, इसको समझिए क्या होता है। लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड कहने का, लेटरल सरफेस या लेटरल फेस बाबू, लेटरल फेस तो है ना, लेटरल फेस ऑफ क्यूबॉइड बाबू, इसका मतलब क्या होता है सर? लेटरल फेस ऑफ क्यूबॉइड कहने का मतलब क्या होता है सर? लिखना है नहीं, जैसे ये क्यूबॉइड है सर, ठीक है, शांति समझो, तो ये नीचे वाला क्या होगा? बेस होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो बेस से बाबू कौन कौन सा फेस अटैच है? अरे शैतानी नीचे, शांति समझो, राजनंदन इधर देखो, लक्ष्मी बाबू इधर देखिए, ये बेस है, ये क्या है? बेस है। तो इस बेस से जो आपका फेस अटैच होगा उसी को लेटरल फेस कहेंगे। तो इस बेस से ये वाला फेस अटैच है, इसी फेस से, इसी बेस से ना ये वाला अटैच है जी, तो ये हो गया, क्या हो गया? लेटरल फेस हो गया। इस बेस से ये वाला फेस अटैच है, इसी बेस से ना ज्वाइन है, तो ये लेटरल फेस हो गया। और क्या हो गया? इस बेस से ये वाला अटैच है, तो ये क्या हो गया? लेटरल फेस हो गया। इस बेस से ये वाला अटैच है, तो ये क्या हो गया? लेटरल फेस हो गया। तो टोटल कितना? चार, चार लेटरल फेस होगा। ऊपर वाला वो, ऊपर वाला जो है नीचे बेस से अटैच नहीं है, नीचे वाला, नीचे वाला बेस से ऊपर से कोई रिलेशन नहीं है ना, कोई रिलेशन नहीं। मतलब जो बाबू आपका बेस जो मान रहे उससे कितना फेस ज्वाइन है, मतलब उससे कितना फेस है? नीचे वाला को अगर बेस मानोगे तो एगो ये वाला फेस ज्वाइन है ना नीचे, ये दोनों पास पास है ना बेस के पास पास, तो ये पास पास, तो एक फेस ये हो गया, ये नीचे बेस है, दूसरा फेस ये हो गया, तीसरा फेस ये हो गया।
और चौथा फेस क्या हो गया, ये हो गया। फेस चारों का चारों आपस में क्या होगा, लेटरल फेस होगा, लेटरल फेस होगा ना। मतलब बाबू बेस के सपोर्ट में, नीचे बेस है तो बेस से कौन कौन सा फेस अटैच है, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल फेस कहते हैं। किसका, क्यूबॉइड का, है ना, क्यूबॉइड का, है ना वो। द फेस बाबू, द फोर फेसेस लिखो बाबू, लिखे हाँ, द फोर फेसेस, द फोर फेसेस, है ना वो, द फोर फेसेस बाबू विच मीट एट द बीच, मीट एट द फोर फेसेस बीच मीट एट द बेस आर कॉल्ड लेटरल फेस ऑफ क्यूबॉइड। फेसेस होगा सर, चार फेसेस है ना, इसलिए सर वो फेसेस होगा, लिटरल फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। अरे यहाँ डिफिनेशन है एगो के लिए, यहाँ चार को लिखे ना, द फोर फेसेस लिखे ना सर। एस सॉरी यस बोल रहा हूँ सर, वो लिटरल फेस सर दो दो है ना, इसलिए फेसेस होगा, एफ ए सी ई एस। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल वर्ब है, एक ही फेस का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, तो इस फिगर में भोला मेरा चार को फेस इस फिगर में आपको क्या हो दिखाई देगा, ये तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। एक फेस इधर दिखाई दे रहा है सर, एक फेस इधर दिखाई दे रहा है सर, है ना, ठीक बोला। एक अंदर में भी फेस है बाबू, ये अंदर वाला फेस है, वो बाहर वाला फेस है, टोटल कितने फेस होंगे, चार फेस होंगे, है ना बाबू। एक अंदर वाला भी फेस बनेगा ना जी, हाँ सर अंदर वाला तो बनेगा, ये अंदर वाला एक फेस बनेगा ना। अब हॉच पॉच हो जाएगा, ज्यादा कलर करने से कितना हो जाएगा, हॉच पॉच हो जाएगा, खराब लगेगा फिर। सर डीआईवाई, अच्छा ठीक है। A cuboid have four lateral faces. ये वाला मेरा क्या बनेगा, लेटरल फेस बनेगा, ये क्या है, लेटरल फेस है, लेटरल फेस, ठीक। ये भी है तो ये भी मेरा क्या बनेगा, लेटर, ये भी लेटरल फेस है, एक इधर से ये वाला हो जाएगा और एक इधर से ये फ्रंट वाला, तो कितना लेटरल फेस हो जाएगा, चार हो जाएगा, चार हो जाएगा, चार हो जाएगा ना, चार हो जाएगा। इमेजिन करना, ये सब इमेजिन करने का चीज है, इमेजिन करने का चीज है ना। हो गया सर, भेज दो क्या सर, आज भेज दो सर। हाँ बोला, इसमें शर्म का क्या बात है, भेजिएगा तब ना बाबू। सर तो साइंस होता है ना अभी बाबू, ये तो बच्चा का एग्जाम है, मेरा बच्चा का बच्चा है ना, तो मैथ की साइंस पढ़ाना था ना। अरे तो का